इस तरह का व्यू आंखों को कितना आराम देता है ना। तो आपने व्यू देखा जो मुझे आंखों से दिख रहा है, कैमरामैन उसी तरफ कैमरा रखना, आप ध्यान से देखो जो पहाड़ है उसकी पीक पे आपको बर्फ दिख रही होगी और वो क्लाउड्स दिख रहे होंगे पहाड़ की पीक पे। अभी पीक को कवर कर दिया क्लाउड्स ने, बट वहां पे स्नोफॉल हुआ एंड बिकॉज वहां पे स्नोफॉल हुआ है ओवरऑल अभी हम ले में यहाँ की ठंड बढ़ गई। सो कल तो पूरा क्लाउडी था, अभी आपको नीला नीला आसमान दिख रहा होगा, बट कल इट वॉज कंप्लीटली क्लाउडी। काफी अच्छा लग रहा ना आपको ये व्यू? जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना ही अच्छा मुझे भी लग रहा है। एंड इनफैक्ट जैसे ही ये क्लाउड थोड़े से साइड होते हैं आपको पीक दिखेगी माउंटेन्स की, यू विल जस्ट लव दिस व्यू, इट्स फैबुलस एक्चुअली। सो आज हमारा लद्दाख के अंदर डे टू है। सो स्टेप बाय स्टेप लेट मी टेल यू, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो लेह इज अ सिटी, लद्दाख पूरा रीजन का नाम है हमारे। तो यहाँ पे जो लेह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लेह, हम लद्दाख के अलग अलग रीजन्स में जाने वाले हैं। सो आज इस वीडियो का पर्पज ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, दे शुड नो व्हेन यू आर कमिंग टू लद्दाख आपको क्या क्या करना है, कब कब करना है, आप कितनी जगहों पर जा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। देर इज अ लॉट टू अंडरस्टैंड, अ लॉट टू नो। अब देखिए हमारे साथ अच्छी बात क्या है, ज्यादातर लोग जब लद्दाख आते हैं वो यंग होते हैं, बाइक पे आ जाते हैं, लोग कार में भी आ जाते हैं, बट वो अपने एक ग्रुप के साथ आते हैं, ज्यादातर लोग नौजवान होते हैं। अभी हमारे साथ खास बात क्या है, देखिए मैं मैरिड हूँ, अब जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे सोलो ट्रैवल्स बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद अच्छी बात क्या हुई कि हमारी गुड़िया हो गई है, अब मेरी अभी जो बेटी है वो 6 महीने की है। सो 6 महीने की एक बच्ची हमारे साथ है। अब आपको पता है कि लद्दाख का वेदर बहुत ज्यादा हार्श होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है एंड बिकॉज ह्यूमिडिटी कम है आपको यहाँ पे ड्राइनेस फील होगी। जैसे ही आप यहाँ पे लेह में आते हैं, हमने दिल्ली से फ्लाइट ली थी, सो दिल्ली से लेह तक की फ्लाइट 1.5 घंटे में हो जाती है। सो 1.5 घंटा आपने ट्रैवल किया, आपको मतलब पता भी लगता आप कब लेह पहुंच गए। मैं आपको इसके साथ एड ऑन चीजें भी बताने वाला हूँ। अब एक तो मैंने आपको बताया कि मेरे साथ 6 महीने की बेटी है, इसके साथ साथ मेरी जो ग्रैंड मदर है शी इज 75 अप्रॉक्स। तो 6 महीने की बच्ची से लेके हमारे साथ एक 75 ईयर्स की लेडी है। अब हम घूम रहे लद्दाख एंड बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज हार्श, यहाँ का वेदर हार्श है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो कल यहाँ पे बारिश भी हुई है, जबकि आप लोगों को पता होगा कि लद्दाख में ज्यादा बारिश नहीं होती है। सो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम दिल्ली से यहाँ पे पहुंचे, 1.5 घंटे के अंदर हम लैंड भी हो गए, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो ड्राइनेस इतनी ज्यादा है आपके होंठ सूखने लगेंगे, आपको पानी रेगुलर पीना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। अब आप देखिए जब आप आएंगे फर्स्ट टाइम, और हमने इस चीज का ध्यान भी रखा कि हम फर्स्ट डे कुछ भी रिग्रेस एक्टिविटी ना करें, ना हम कहीं घूमने जाए, कल के पूरे दिन हम होटल के अंदर थे। सो इट इज अ गुड होटल, हम यहाँ पे ग्रैंड ड्रैगन में रुके हुए हैं। सो लेह के अंदर एयरपोर्ट के पास अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज वन ऑफ द मतलब आपके से तो बेस्ट वन अगर जो एयरपोर्ट के पास है। सो हम यहाँ पे ही पूरे दिन रुके। अब यहाँ से जो लेह की मार्केट है दैट इज वेरी नियर, आप चाहे तो वॉकिंग जा सकते हैं, अदरवाइज 200-300 रुपए में आपको यहाँ पे कैब्स मिल जाती हैं। सो आप उन्हें लेके भी आप बहुत आराम से मार्केट तक जा सकते हैं एंड मार्केट इज गुड। मैंने अपने लिए कुछ ऐसे कपड़े लिए, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको लगेगा एस्किमो जैसे कपड़े। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आप एक बार 360 डिग्री व्यू देखिए एंड अजान भी हो रही है तो उसे भी सुनिए। सो यहाँ पर आके अभी हम लद्दाख ही बन चुके हैं, तो यहाँ पे आप ईशु को भी देख सकते हैं। सो वी हैव गॉट दीज लद्दाखी क्या कहते हैं इसे कैप्स एंड हमने कुछ और भी चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से, मेरी बच्ची सो रही है अभी और आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल मार्केट ओवर है। हम अभी लेह में हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो पश्मीना शॉल्स हैं एंड जो वुलन क्लोथ्स हैं एंड कारपेट्स हैं वेरी फेमस, यहाँ पे टेक्सटाइल का भी बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जैसे हम दिल्ली गुड़गांव से आए हैं
तो थोड़ा ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से थोड़ा हेडेक होता है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाती है बॉडी. उसके लिए हमने एक पुड़िया बना रखी है. दिस इज कैम्फर एक्चुअली, ये यहाँ पे आके बहुत जरूरी है, इससे आप इनहेल करते रहिए. सो पापा मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा. दादी को अभी हम यहाँ पे नहीं लेके आए, दादी इज इन होटल ओनली. अभी दिन के बाद जैसी शाम हुई है, एकदम टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और ठंड भी लग रही है काफ़ी. एकदम इतना मालूम नहीं था कि इतनी ठंड होगी यहाँ पर. आज धूप अच्छी निकली थी तो घर ठंड भी अच्छी है. हाँ, दोपहर में बारिश भी हुई. आइए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आप लोगों का सवाल होता है कि लद्दाख आए कब, आए घूमने. सो या तो आप आइए मार्च अप्रैल के आसपास, या फिर आप आइए सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्योंकि अक्टूबर के बाद, हम लास्ट टाइम आए थे नवंबर में, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. इट इज़ मतलब चिली एक्चुअल में जो वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. बर्फ अभी भी आपको दिख रही है. अभी हम आगे जाएंगे, खरदुंगला पास पे जाएंगे हम आगे, आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं. हम आपको नूबरा वैली दिखाने वाले हैं. विल मेक यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ अब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो बिल्कुल भी ना वेदर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. अगर आपको धूप भी दिख रही है, गर्मी भी दिख रही है, तो गर्मी है नहीं. आपको जैकेट्स कैरी करनी ही करनी है. इवन आप अंदर वार्मर पहन सकते हैं, आप पहन के रखिए, क्योंकि देखिए आपको गर्मी लगे चलेगा, बट अगर आपको एक बार ठंड लगे ना, आपका टूर खराब हो जाएगा. दूसरी चीज, कम से कम आज भी हम सेकेंड डे भी होटल के अंदर ही है, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. हाँ, हम यहाँ से मैग्नेटिक हिल तक जाएंगे, इट इज वेरी नियर, 40 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से. एंड यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, उसे संगम भी बोलते हैं. तो दो नदियाँ हैं, वो मैं पहले भी देख चुका हूँ आपको, हो सकता है दिखाया हो मैंने. सो आज हम मैग्नेटिक हिल जाएंगे, आज हम कॉन्फ्लुएंस पे जाएंगे अगर टाइम मिला तो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करो. वैली लोगों को लगता है देख तो ली चलो यहाँ से, बट आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम देयर. बट अगर फिर भी टाइम रहा तो हम यहाँ से जो ले पैलेस है, जो यहाँ पे फोर्ट है पुराना, वहाँ पे भी जरूर जाएंगे. एंड विल मेक यू सी एवरीथिंग. सो अब देखिए, मेरे साथ मेरी दादी, शी कैन नॉट वॉक मच, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे व्हीलचेयर का भी अरेंजमेंट है. एंड ऑक्सीजन को तो हमें कैरी करना ही है. अच्छा, ऑक्सीजन के लिए ना आप कहीं केमिस्ट पे जाएंगे, वो आपको छोटे वाले सिलेंडर दे देंगे, वो 5 मिनट भी नहीं चलते. मतलब वो आप अपने मुंह के सामने रखेंगे भी, वो बिल्कुल बेकार है. आपको यहाँ पे पूरे पूरे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ही कैरी करने हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं, और खासकर अगर आपके साथ कोई एजेड फैमिली मेंबर है. अगर आप यंग है तो आप कुछ भी मैनेज कर जाते हैं, देखो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है. बट जो लोग थोड़े से बड़े हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनके लिए क्लाइमेट एकदम से अडेप्ट करना मुश्किल होता है. सो कुड बी लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के चारों कोने, अभी हम पिछले महीने कश्मीर में थे, कुछ आपने क्लिप्स देखी होंगी कश्मीर की, अभी हम दोबारा लद्दाख में हैं. मैंने आपको बताया था, आई मेक यू सी द होल इंडिया, देन आई मेक यू सी द होल वर्ल्ड. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. आज ये हमारा डे टू है वैसे तो, बट प्रॉपर वीडियो शूट आज ही मैंने करा. कल तो मैं खुद भी आराम कर रहा था. लेट मी टेल यू, मैं कल 5 बजे तक आराम से सोया हूँ, बिकॉज हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, हम जल्दी निकले थे. कल हम दोपहर में सो गए, आफ्टर आपके साथ हमने थोड़ा जल्दी लंच कर लिया था, एंड देन इट वॉज अ गुड डे. बट नाउ लेट मी टेल यू अगेन, सेकेंड डे पे भी मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्टिविटी नहीं करना चाहता. हम पास में ही जाएंगे, और वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे क्योंकि फैमिली मेम्बर साथ में है, तो किसी को भी ऐसा सफोकेशन जैसा फील ना हो. या क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि हम आए हैं एंड वी कैन डू एनीथिंग, सी लेट मी टेल यू, यहाँ पे लोगों को ना सांस आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं करती. सो ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू आर कमिंग टू लेह लद्दाख, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. एंड जैसे मैंने बोला, इंडिया के चारों कोने बहुत खूबसूरत है, एक एक करके हम चारों कोने एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो अभी जो है फर्स्ट, हम कह सकते हैं हेड ऑफ इंडिया जो है, हम वहाँ पर हैं. एंड विल मेक यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो आने वाली वीडियोज आपसे मिस हो जाएंगी. एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लद्दाख में कहाँ कहाँ गए. एंड आप भी अगर अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं. सो फाइनली, यू कैन शेयर दिस वीडियो जिन लोगों तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, अगर ये वीडियो एज अ गाइड भी काम करती है लोगों के लिए. सो इट इज वेल एंड गुड. फाइनली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.